हेलो मेरे यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। तो फाइनली 5 महीने हो चुके हैं और 5 महीने से कंटिन्यूसली ये जो तेल है, ये आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और यकीन मानिए ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आप मेरे बालों का कंडीशन देख सकते हो, ये कोई विग नहीं है, ये असली बाल है। और मेरा जो था हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था कि मैं क्या यूज करूँ ताकि जो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो पाए। तो इसके लिए मैं यही यूज़ करता था, वो आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल, और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। मैं इसे डे वन से यूज़ कर रहा हूँ। आप मेरा पिछला वीडियोज़ भी देख सकते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। तो काफ़ी लोगों ने इस वीडियो पे, मैंने देखा कि मेरे कुछ वीडियोस पे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ये बिल्कुल भी यूज़फुल तेल नहीं है, कि आप मतलब जो जिन्होंने भी यूज़ किया उसे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बता दूँ। क्योंकि सबसे पहले मैंने अपने बाल को सेव किया, मतलब मैंने जड़ से बाल को छिलवाया, उसके बाद फिर जो ये तेल है मैंने यूज़ करना शुरू किया जब मेरे सर पे बाल नहीं थे। और मैं इस तेल को प्याज में मिला के तब लगाता था, तब सेव कर लिया बाल और फिर तेल में प्याज मिला के और फिर ऊपर से इसको मसाज करता था। फिर इसकी क्लैरिटी है वो और बढ़ गई और मुझे इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब जो भी लोग खरीद रहे हैं और उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ। भाई कुछ दिन की बात है, 3-4 महीने, अब 3 महीने आप गंजे दिखोगे, लेकिन 3 महीने आप कंटिन्यूसली यूज़ करोगे इसे प्याज के साथ मिला के, और फिर जब वो जो बाल आएंगे वो फिर जड़ से मजबूत होंगे और आपके नए बाल भी आएंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप यूज़ करोगे तो पहले अपना बाल छिलवा लो, उसके बाद ये तेल यूज़ करो। तो यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।